हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मुंबई। हाय। हम फर्स्ट टाइम मुंबई जा रहे हैं और बहुत सरप्राइज है। 7:15 हमारी बस है, तो लेट्स स्टार्ट जर्नी। सो वी आर गोइंग टू मुंबई बिकॉज़ हमारे रिलेटिव की शादी है एंड उसके बाद हम आगे मतलब यहाँ वहाँ घूमेंगे भी। देखते हैं मुंबई में वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत चीज़ें घूमने लायक हमने यूट्यूब पे देखा था। सो एंजॉय द जर्नी विद अस। अभी हम स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। We have reached the bus stand. अभी हम हमारी बस ढूंढ रहे हैं। मम्मा वहाँ पूछने गई है। Excited? Yes. So अभी हमने मम्मा को और अलीशा को ड्रॉप कर दिया है। अभी हम गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ रिलेटिव रहते हैं मापसा में नज़दीकी, सो हम उनके वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे एंड रिक्शा से बस स्टैंड पे जाएंगे वापस। Right now time is 6:35. बस 7:15 को आएगी। Now we are going back to the bus stand. मम्मा मेड सम न्यू फ्रेंड्स हैं। पापा और अलीशा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं बस का। हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं, अभी 10 मिनट में बस आ जाएगी। फाइनली पूरे 1 घंटे के बाद बस आई है। फाइनली अभी रात के 8 बजे हैं। 7:30 बजे बस छूटने वाली थी यहाँ से, बट कोई नहीं, चलो फाइनली यार। सो हमने लगेज लोड कर लिया है, इसमें थोड़ा ये कंबल और टॉवेल है। जा रहे हैं अच्छी बस है, वैसे दिखाता हूँ आपको। Driver, so nice seats. मेरे को ऐसी सीट चाहिए थी। यस। सो यहाँ पर मैं और अलीशा बैठेंगे, एकदम सही है। यहाँ पे मोबाइल होल्डर, चार्जिंग, ये रीडिंग लैंप चल नहीं रहा है, और ये रहा एसी। नाइस। अरे बैग अलीशा थे इधर। अलीशा बैग हुए इधर वो। So guys, ये पूरा देखो मतलब एक रूम की तरह ही है, छोटा सा। मतलब यहाँ पे सारा लगेज आ गया, यहाँ पर फोन रखने की और यहाँ पे स्विचेस का, एंड हमको टोक्यो चाहिए था। रुको फ्रेश एयर बनकर। सो बस ड्राइवर्स की यही मतलब एक अच्छी बात रहती है, मतलब बस स्टैंड पे आपने देखा होगा मम्मा कैसे फ्रेंड्स बन गई थी। वो एक्चुअली वो जो औरत थी ना पिंक कलर में, वो गोवा घूमने आई थी। नाउ शी वॉज ऑन अ वे बैक। वो पुणे से थी, सो अभी वो पुणे जा रही थी बस। एंड वहाँ पर और दो लोग थे, एक कपल था, सो वो भी मुंबई जा रहे हैं, बट नॉट इन आवर बस आई गेस। हाँ, उन्होंने हमको बहुत सजेशंस दिए कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए शॉपिंग वगैरह। सो या इट वॉज नाइस टू मीट देम। बस ट्रैवल्स करना यही मतलब अच्छी बात होती है, दैट्स व्हाई वी चोज बस। मज़ेदार है पूरा। तो लास्ट टाइम हम बस में गए थे वो बेंगलोर गए थे, अराउंड 5-6 ईयर्स अगो आई गेस। तब हम सीटर में गए थे, मतलब पूरी रात बैठ कर। वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था बैठ कर, लेकिन स्लीपर में चुम्बेश्वरी। हाँ, ये फर्स्ट टाइम टू मुंबई एंड आई थिंक सिग्नल के लिए फिर किसी के लिए हम स्टॉप विद लुक एंड फॉर पैसेंजर्स। वैसे वे मम्मा और पप्पा यहाँ पर ही हमारे नीचे है। आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू स्लीप टुनाइट। एक्सपीरियंस मस्त है राइट अलीशा। सो गाइस ये देखो यहाँ पे क्या पार्टी हो रही है।
भी जाएंगे एक्साइट जाएंगे बहुत मज़ा आएगा। एसी में एसी स्लीपर कुछ कैसे कॉम हुआ है ये देखो फ्रेंड्स, हम खाने के लिए रुके हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं। हमारे बस होटल है जहाँ हमें खाने के लिए रोक दिया है, आधे घंटे का टाइम दिया है खाने के लिए। यहाँ पर राइस है, यहाँ पर चिकन है। ये अरिशा की प्लेट, अरिशा ने नॉन वेज ऑर्डर किया है, उसे चिकन बहुत पसंद है। मैं और भैया शेयर करेंगे, पर ये अकेले नहीं खा पाएंगे इसलिए वो भैया के साथ शेयर करने वाली है। और मेरा ये वाला, ये मेरा आज फ्राइडे है इसलिए मैं प्योर वेज हूँ। हमारा डिनर हो गया है, अलीशा अपना रात का स्टॉक रिफिल कर रही है। एंड हियर इज आवर बस, मस्त है। हाँ, मैंने भी चिप्स लिया है, बेटर देन द पॉपकॉर्न, एटलीस्ट दे विल टेस्ट बेटर। सो गाइस, अभी हम डिनर करके आ गए हैं। ये मेरा रात का स्टॉक है और ये अलीशा का। सो अभी बस जा रही है। होटल मस्त था, ऐसे होटल मस्त था, टेस्टी चिकन थाली। एक ही ली थी मैंने और अलीशा ने शेयर करी है, और हाँ अभी हम जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब हम बेंगलोर गए थे तो कुछ ऐसी वाली बस थी, नॉट दिस बस, लेकिन वो सीटर बस थी, पूरी सीटर। अभी सुबह के 4:30 सुबह के 4:30 बजे और यहाँ पर एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे। वहाँ पर है वॉशरूम। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? स्लीप बस बहुत हिल रही थी इसीलिए अलीशा ठीक से सो नहीं पाई। एंड मोरोवर हमको इससे जल्दी गाड़ी में सोने का एक्सपीरियंस भी नहीं है ज़्यादा, सो आदत नहीं है बेसिकली। सो या ये सो गई, इसको सोने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे को तो एटलीस्ट चलती गाड़ी में सोने का ज़्यादा ये नहीं है, आदत नहीं है। सो बट स्टिल मुझे नींद आई, सोया थोड़ी देर तो सोया मैं। उसके बाद जो होगा वो सेकेंड होगा। सो या
सब्सक्राइब।